फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल जस्ट पायलट, योर ओन स्पेस फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग, फॉर शेयरिंग एंड केयरिंग। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सबने बचपन से लेकर के आज तक ढेरों कहानियां सुनी हैं। हमारे बचपन में बहुत सारी मैगजीन्स आती थी स्टोरी वाली, इफ यू रिमेम्बर, चंदा मामा, नंदन, चंपक और वो चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, लोटपोट, या सो। लेकिन फ्रेंड्स, इनवेरिएबली इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन होती थी, गेस व्हाट, हर कहानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती थी। और इसी श्रृंखला में आज जस्ट सिटिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिंग एंड ऐसी बस सोच रही थी तो अचानक से मुझे वो कहानी याद आई, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। बहुत सारे लोगों ने इसकी शायद मूवी भी देखी होगी। डू यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? याद है आपको उसका क्या कंटेंट था? जल्दी से याद दिलाती हूँ कि एक डेमन होता है, एक बीस्ट होता है, राक्षसा होता है एंड वो सब लोगों को बहुत परेशान करता होता है, लोग उससे बहुत डरते होते हैं। और उसके बाद एक बहुत सुंदर सी लड़की, कहीं कहीं पर वो राजकुमारी है, कहीं पर वो एक बहुत सुंदर सी लड़की है, यू नो, बट अ नाइस ब्यूटिफुल गर्ल, शी गेट्स इन टच विद हिम, उसे मिलती है और धीरे धीरे शी स्टार्ट्स लविंग हिम इन दैट वेरी फॉर्म, उस बीस्ट फॉर्म में, उस राक्षस फॉर्म में, उस डेमन फॉर्म में ही शी स्टार्ट्स लविंग हिम एंड शी डिसाइड्स टू गेट मैरिड टू हिम, शी एक्सेप्ट्स टू मैरी हिम। एंड जब उनकी शादी हो जाती है एंड जब लाइक व्हेन दे मीट आफ्टर मैरिज, सो दिस गर्ल, दिस डीमन, दिस राक्षस, ये एकदम से एक बहुत ही हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। एंड ही देन टेल्स हर द स्टोरी, हिज स्टोरी, दैट ही वाज कर्स्ड एंड बिकॉज मतलब वॉट एवर रीजन ही वाज कर्स्ड एंड द कर्स वुड ब्रेक, वो जो उसको श्राप मिला था वो तभी टूटना था जब कोई उसको जैसा वो है, उस बीस्ट फॉर्म में, उस डेमन फॉर्म में, उस राक्षस के फॉर्म में, उसी शक्ल में कोई उसको एक्सेप्ट करेगा और उससे प्यार करेगा। एंड बिकॉज नाउ दिस गर्ल, शी लव्ड हिम, शी एक्सेप्टेड हिम एंड शी गॉट मैरिड टू हिम इन दैट सेम फॉर्म, दैट स्पेल इज ब्रोकन, दैट कर्स इज फाइनली ओवर and he has regained his original form of that beautiful prince, of that being, that that handsome prince, that beautiful person that he actually was. I was just intrigued by this story because jab bachpan mein suni thi to acha theek hai, matlab okay, itna thoda sa log samjhaya bhi jata tha ki, you know, like chuki usne uske उसके उस फॉर्म को हेट नहीं किया इसलिए उसका वो कर्ज टूट गया, लेकिन शायद बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया था इसका मीनिंग। टुडे व्हाइल इंट्रोस्पेक्टिंग आई रियलाइज्ड हाउ डीप दिस स्टोरी वाज एंड हाउ प्रोफाउंड अ मीनिंग इट हैज। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको कॉन्स्टेंटली ट्रबल कर रहे होते हैं, जो हमको कॉन्स्टेंटली पेन दे रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम लगातार परेशान होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हर्ट हो रहे होते हैं। एंड दीज आर नॉट द पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स और हु आर इन अ वेरी आउटर सर्कल, दीज आर पीपल in our very inner circle, they are very close to us. Aur shayad isliye humko hurt zyada kar rahe hote, we are not angry with them exactly, we are hurt. Hurt humko hamare apne hi kar pate hain. Bahar walon se hum naraaz hote hain, gussa hote hain, pareshan hote hain, sab kuch hota hai, lekin chupti humko sirf apno ki baat hai. वो कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे इन लॉज में कोई हो सकता है, यू नो, लाइक समबडी वी आर डीपली अटैच्ड विद, समबडी वी आर डीपली कनेक्टेड विद,
So, I was just thinking, okay, what is it that can actually, change this? Is there anything that can transform this? Because these are not the people whom we want to go away from. ये वो लोग नहीं हैं जिनसे हम दूर जाना चाहते हैं, जिन्हें हम छोड़ देना चाहते हैं, जिनके बिना हम रहना चाहते हैं, या ये हमसे अगर दूर चले गए, हमारी लाइफ से अगर निकल गए, तो विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. नो, दीज आर नॉट दोज पीपल. एंड पॉन्डरिंग ओवर दिस स्टोरी, इस कहानी को दोबारा से डीपली सोचते हुए, समझते हुए, मुझे शायद एक सोल्यूशन का फील आया. आई हैव ऑल्सो बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ वीडियोज बाय लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पीपल, लाइक सदगुरु के वीडियोज हैं, सिस्टर शिवानी बोलते हैं, लॉट ऑफ वीडियोज अफ्लोट ऑन यूट्यूब नाउ अडेज. सो कभी कभी ऐसे ही बैठ करके ना, लाइक वॉट इज देयर परस्पेक्टिव, वॉट डू दे वॉन्ट टू से, एंड इज देयर एनी न्यू डायमेंशन, सो वहां पर भी उन लोगों ने कई बार ना एक्सेप्टेंस की बात करी है, लाइक एक्सेप्ट एक्सेप्ट. एंड समवेयर दिस हिट मी दैट मे बी दिस पर्सन अराउंड इज अ ट्रबल्ड सोल, लाइक उनको, जैसे हम वहां पर हमने उसको बोला था, उनको कर्स है, उसको श्राप है. दिस कुड बी अ पर्सन हु इज सीकिंग एक्सेप्टेंस, अ पर्सन एंड लाइक उसको वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस शायद अपनी पास्ट लाइफ में कहीं नहीं मिला है, और वो इसलिए वो ट्रबल्ड है, वो परेशान है. एंड इट इज ऑब्वियस कि जो खुद परेशान है वो दूसरों को परेशान ही करेगा. लाइक वी कैन नॉट रेडिएट हैप्पीनेस, वी कैन नॉट गिव व्हाट वी डोंट हैव, राइट? तो अगर हम परेशान हैं तो शायद परेशानी ही रेडिएट करेंगे. एंड लाइक दिस मे बी बिकॉज दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर दिस अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, जस्ट लाइक दैट बीस्ट. एक सिमिलर सी कहानी और भी थी, द फ्रॉग एंड द प्रिंसेस करके, व्हेन दिस देयर इज अ फ्रॉग हु हेल्प्स दिस प्रिंसेस टू गेट हर गोल्डन बॉल. उसका एक बॉल पॉन्ड में गिर जाता है और ये फ्रॉग उसका कहता है कि मैं तुम्हारा बॉल तो ला दूंगा, बट देन यू हैव टू प्रोमिस दैट यू विल लेट मी ईट विद यू, यू विल लेट मी स्लीप विद यू, यू विल लेट मी बी वेयर एवर यू आर, तो मुझे हमेशा अपने साथ रखोगी. तो बॉल के लालच में वो प्रिंसेस प्रोमिस तो कर देती है, बट देन लाइक ऑब्वियसली वो एक गंदा सा, स्लाइमी सा और ऐसा अजीब सा, ऐसे उससे फ्रॉग उसकी थाली में खाना खाए, हर वक्त उसके साथ रहे, उसी के बेड में जाकर के सोए, तो शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. बट देन शी इज मेड टू अंडरस्टैंड दैट सी यू यू हैव टू फील ग्रेटफुल टूवर्ड्स हिम, ट्रूली ग्रेटफुल, बिकॉज तुमको जो बहुत ज्यादा चाहिए था वो उसने तुमको दिया, ही हेल्प्ड यू. सो सो नाउ यू ऑल्सो नीड टू एंड वेन शी इज एक्चुअली एबल टू डू इट, यू नो उसमें यहां तक कि कहा जाता है कि लाइक स्टोरी में आता है कि द फ्रॉग सेज ओके नाउ यू किस मी गुड नाइट. सो लाइक इमेजिन एक गंदा सा ऐसा मेढक है और उसको आपको बोला जाए कि यू हैव टू किस दैट फ्रॉग, आई मीन द थॉट ऑफ इट इज गोइंग टू मेक यू प्यूक, थॉट से ही उल्टी आने लगेगी. बट देन दिस गर्ल, दिस प्रिंसेस, व्हेन शी इज एक्चुअली एबल टू डू इट, द फ्रॉग ट्रांसफॉर्म्स इंटू अ हैंडसम प्रिंस. वो फ्रॉग अचानक से एक बहुत ही सुंदर सजीले राजकुमार में चेंज हो जाता है. सो वॉट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन? इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट ऑफ द फिजिकल फॉर्म? नो, हम इनको फेरी टेल्स में सुनते हैं और इस तरह से सुनते हैं तो हम बोलते हैं हाँ मैजिक हो गया, बट दिस मैजिक इज एक्चुअली नॉट ऑफ द फिजिकल फॉर्म. दिस मैजिक इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट लाइफ टेंडेंसी, बिकॉज शायद वो यही ढूंढ रहा था, वो जो ट्रबल्ड सोल था या थी, जिस भी फॉर्म में है वो हमारी लाइफ में, वो शायद हमसे यही एक्सेप्टेंस मांग रहा था. सो इट इज नॉट दैट उस फ्रॉग में अच्छाई नहीं थी, हेल्प दैट गर्ल, राइट? ही वॉज नॉट लाइक, बट जैसे ही उसको उसका वो एलिमेंट मिल गया,
वो चीज ट्रांसफॉर्म हो गई। फिजिकल फॉर्म शायद इसलिए बताया जाता है क्योंकि समझना आसान होता है। मतलब अगर हम एक गंदे से मेढक को जो है गले लगाना है, उसको अपने साथ रखना है, उसके साथ अपनी थाली में खाना, तो वी कैन इमेजिन दैट। एक ट्रबलसम बंदे को इमेजिन करना मुश्किल है, एक ट्रबल्ड सोल को इमेजिन करना मुश्किल है, इसलिए शायद उसको एक फिजिकल फॉर्म में स्टोरीज में बताया जाता है, बिकॉज फिजिकल फॉर्म में उसको समझ पाना आसान होता है। सो इट वॉज लाइक अ न्यू डिमेंशन टू मी एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विद एवरीवन। मे बी इट समवेयर हेल्प्स समवन, यू नो, लाइक टू ट्रांसफॉर्म। Somebody can become an agent of transformation for someone that, and just look around if there is somebody who is waiting for your acceptance. Maybe it helps. Thank you.